हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की बुक विस्तास के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका टाइटल है एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, रिटन बाय कोलिन डेक्स्टर। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें एक्शन है, ड्रामा है, थ्रिल है, सस्पेंस है, सब कुछ है। तो ये लेसन पढ़ने से पहले हमारे से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है, शुड क्रिमिनल्स इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी। जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, जो जेल में बंद होते हैं, क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अवसर मिलना चाहिए ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन, सीखने का और पढ़ने का, क्या उन्हें मौका मिलना चाहिए? और जब एक कैदी को ऐसा मौका दिया जाता है तो वो क्या करता है इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इस चैप्टर में एक प्रिजनर है, कैदी है, जिसका नाम इवांस है। वो जेल में बंद है। वो जेल में क्यों बंद है हम देखेंगे चैप्टर में। और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्लेवर है। वो जेल से 3 बार पहले भी भाग चुका है, लेकिन अब उसने क्या किया है, वो कुछ टाइम से, 6 महीनों से एक प्राइवेट ट्यूशन लेकर जर्मन लैंग्वेज सीख रहा है। और उसने एक रिक्वेस्ट रखी है जेल की अथॉरिटीज के सामने कि वो ओ लेवल का एग्जाम देना चाहता है। ओ लेवल क्या होता है? ओ लेवल का मींस होता है ऑर्डिनरी लेवल। शुरू में स्टूडेंट ओ लेवल का एग्जाम देते हैं और बाद में ए लेवल का देते हैं। तो उसकी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी कोई क्वालिफिकेशन प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो ये एग्जाम देना चाहता है जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स देते हैं। अब पूरे जेल के डिपार्टमेंट में ये एक अनरेस्ट सा, एक बेचैनी सी आ गई है कि ये वाकई में एग्जाम देना चाहता है या ये भी उसकी कोई एक ट्रिक है जेल से भागने की। तो क्या वो एग्जाम देना चाहता था या उसकी ये ट्रिक थी, लेसन में हम पढ़ेंगे। लेसन के जो मेन करेक्टर हैं, उसमें सबसे पहले है द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, जेल का गवर्नर है HM प्रिजन का, जेम्स इवांस जो प्रिजनर है, कैदी है, मिस्टर जैक्सन प्रिजन के एक ऑफिसर हैं, मिस्टर स्टीफन्स वो भी प्रिजन के ऑफिसर हैं, और द रेवरेंड S मैक्लेरी इनविजिलेटर हैं, जो उसका पेपर लेने के लिए आते हैं, मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है, और मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है। ऑल द प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन टू सी टू इट दैट ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन अरेंज्ड इन द prison for Evans doesn't provide him with any means of escape. सारी precautions ले ली गई हैं, सब सावधानियां ले ली गई हैं। German examination को ऐसे arrange किया गया है जेल में ही, ताकि Evans को कोई तरीका ना मिले जेल से भागने का। अब lesson हम पढ़ते हैं। It was in early March when the secretary of the examination board received the call from Oxford prison. ये early March का time था, जब सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड को एक कॉल आया, एक फोन आया ऑक्सफोर्ड प्रिजन से। तो वो आगे से क्या बोल रहा है, इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, बट आई डोंट सी व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प। ये एक अनयूजुअल सी रिक्वेस्ट है गवर्नर, लेकिन हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जस्ट द वन फेलो यू से, एक ही फेलो है ना आपने अभी कहा, दैट्स इट, हाँ एक ही है, चैप कॉल्ड इवांस, उसका नाम इवांस है। Started night classes in O-level German last September. उसने night classes start की थी O-level German में last September से. Says he is dead keen to get some sort of academic qualification. और वो कहता है कि वो बड़ा ही interested है किसी ना किसी type की academic qualification लेने में. Is he any good? Secretary ने कहा, क्या वो ठीक है? तो आगे से governor ने कहा, he was the only one in the class. वो अकेला ही था class में. So you can say he has had individual tuition all the time. Uski individual tuition thi. Would have cost him a packet if he had been outside. Uska bada jyada kharcha aa jata agar wo jail mein na hota, bahar padta. Yahan to jail ki authorities ne use tuition provide karwa di. Well, let's give him a chance, shall we? Secretary ne kaha, chalo use ek chance dete hain. That's jolly kind of you. Aapki badi meherbani. What exactly is the procedure now? Or exactly procedure kya hai? Oh, don't worry about that. Secretary ने कहा, उसकी आप चिंता ना करें। I will be sending you all the forms and stuff. मैं सारे forms और stuff आपको भेज दूंगा। What's his name? उसका नाम क्या है? You say? आपने अभी कहा Evans? तो आगे से गवर्नर ने कहा, James Roderick Evans. It sounded rather grand.
ये थोड़ा ग्रैंड लगता है, नाम बहुत बड़ा सा लगता है, भारी सा नाम लगता है। जस्ट वन थिंग गवर्नर, एक चीज गवर्नर, ही इज नॉट ए वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, इज ही? वो कोई वायलेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन तो नहीं है ना, लड़ाई झगड़ा करने वाला? क्या वो ऐसा है? आई डोंट वॉन्ट टू नो इज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट मैं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानना चाहता, या ऐसी कोई चीज नहीं जानना चाहता। लेकिन तो आगे से गवर्नर ने कहा, नो, दैट्स नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, कोई वायलेंस का रिकॉर्ड नहीं है उसके खिलाफ। क्वाइट ए प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, बड़ा ही खुश मिजाज आदमी है। दे टेल मी, मुझे बताते हैं, बिट ऑफ ए कार्ड रियली, थोड़ा ह्यूमरस टाइप है, मजाकिया टाइप है। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कंसर्ट, एक स्टार था वो, क्रिसमस कंसर्ट हुई थी जेल में, तो स्टार था, इमिटेशन, नकल वकल करता है, यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग, तुम्हें पता है ऐसी चीजें, माइक यारवुड स्टफ, जैसा कि माइक यारवुड करता है, माइक यारवुड जो इमिटेशन करता है एक्टर्स वगैरह की। नो, ही जस्ट ए कंजेंटियल क्लेप्टोमैनियक, बस वो जरा जन्म से ही ना क्लेप्टोमैनियक है। क्लेप्टोमैनियक वो लोग होते हैं जिन्हें चोरी करने की आदत होती है, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, रिच हो, लेकिन उनकी आदत होती है चोरी करने की। कहीं पे भी वो जाते हैं तो छोटी से छोटी चीज भी कई बार उठा लेते हैं और पॉकेट में डाल लेते हैं। तो जो गवर्नर है वो उसे बता रहा है कि वो क्लेप्टोमैनियक है, दैट्स ऑल। बस द गवर्नर वॉज टेम्पटेड टू एड समथिंग एल्स, जो गवर्नर था उसका मन किया कि मैं कुछ और भी बता दूं उसके बारे में, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, लेकिन उसने उस समय नहीं बताया। ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग हिमसेल्फ, उस चीज को उसने कहा मैं खुद ही देख लूंगा, और वो क्या चीज है मैं आगे पता चलेगा। प्रिज्यूमेबली सेड द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ने शायद आगे से कहा, यू कैन अरेंज ए रूम वेयर, आप रूम को अरेंज कर सकते हैं कहाँ? तो आगे से गवर्नर ने कहा, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज इन अ सेल ऑन हिज ओन, वो अपनी सेल में बंद है, उसकी अलग से एक कोठरी है जिसमें वो बंद है। इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर, तो एग्जाम वही दे सकता है, दैट्स फाइन। सेक्रेटरी ने कहा, हाँ ठीक है। एंड वी कुड इजली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम द सेंट मैरी मैक्स टू इनविजिलेट, तो सेक्रेटरी ने कहा कि हमें कोई ना कोई पार्सन भी मिल जाएगा आसानी से सेंट मैरी मैक्स से। पार्सन क्या होते हैं? जो चर्च में पादरी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्सन। वो कहते हैं हमें कोई ना कोई पार्सन मिल जाएगा सेंट मैरी मैक्स से, और वो इनविजिलेट करने आएगा, मतलब इनविजिलेटर वही होगा, पेपर लेने वही आ जाएगा। फाइन, यस, ठीक है। दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, ऐसा लगता है वहां पे बड़े सारे पार्सन्स हैं, पादरी बहुत सारे हैं, डोंट दे, क्या नहीं है? द टू मेन चकल्ड गुड नेचरली, जो दो मैन थे मतलब सेक्रेटरी और गवर्नर, उन्होंने बड़ी गुड नेचर से हंसते हंसते बात की। एंड द सेक्रेटरी हैड ए फाइनल थॉट, और सेक्रेटरी को एक फाइनल थॉट आया, उसने कुछ और पूछा, उसने कहा, एट लास्ट देयर इज ए वन थिंग, एक चीज और, यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इनकम्युनिकेडो, शुड यू? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती ना उसे कंट्रोल करने में? किसी से बातें बातें तो नहीं करता, बातें बातें तो नहीं करेगा, उसको कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? क्या आती है तुम्हें? द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली, गवर्नर हंस पड़ा धीरे से, वंस मोर रिट्रेटेड हिज थैंक्स, और उसने एक बार फिर उसको थैंक बोला सेक्रेटरी को, एंड स्लोली क्रेडल द फोन, और उसने धीरे से फोन को रख दिया। इवांस, इवांस द ब्रेक, एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, जितने भी जेल के ऑफिसर थे उसे क्या कहते थे? इवांस द ब्रेक। थ्राइस ही हैड एस्केप फ्रॉम प्रिजन, तीन बार वो जेल से भाग चुका था। एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट, लेकिन जो अब ये रिसेंट एक लहर चल पड़ी थी बेचैनी की, और वो बेचैनी की लहर कहाँ पे आ गई थी? इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अप नॉर्थ, जो सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट था नॉर्थ का, वो बेचैन हो गया था। ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रेमिसेस इन ऑक्सफोर्ड, वो सोच रहे थे क्या वो अब शान तो नहीं बढ़ाएगा, शोभा तो नहीं बढ़ाएगा गवर्नर के प्रेमिसेस की बिल्डिंग की, ऑक्सफोर्ड में है, जो हमारी शान तो मतलब वो तीन बार पहले बढ़ा चुका है, तीन बार जेल से भाग चुका है, कहीं अब गवर्नर का नंबर तो नहीं है? एंड द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुडंट बी डिसग्रेसिंग देम, और जो गवर्नर था इस बार पूरा सर्टेन करने वाला था, पूरा पक्का करने वाला था कि वो हमारी इस बार इंसल्ट ना कर पाए, डिसग्रेस हमें ना कर पाए। नॉट दैट इवांस वॉज ए रियल बर्डन, ऐसा नहीं था कि जो इवांस था वो एक रियल बर्डन था, जस्ट ए परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस, उसका होना ही जेल में नैगिंग था, इरिटेट करने वाला था। ही वुड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड, वो बिल्कुल सही रहेगा ऑक्सफोर्ड में, दो हालांकि द गवर्नर वुड सी टू दैट, गवर्नर सब चीजों को देखेगा, वुड सी इट टू पर्सनली, गवर्नर इस सारी सिक्योरिटी को पर्सनली देखेगा।
एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा एक बात और थी, देर वॉज जस्ट ए पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी थी, एक संभावना थी दैट इवांस वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन. क्या वो असली में ही इंटरेस्टेड हो ओ लेवल का एग्जाम देने में? जस्ट ए स्लाइट पॉसिबिलिटी, हालांकि ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम थी, जस्ट ए वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत ही छोटी पॉसिबिलिटी थी, बहुत ही कम संभावना थी. एट 8:30 PM रात को 8:30 बजे ऑन मंडे 7 जून को इवांस जर्मन टीचर शुक हिम बाय द हैंड इन द हेवली गार्डेड रिक्रिएशनल ब्लॉक. जो इवांस का जर्मन टीचर था वो आया और उसने उससे हाथ मिलाया रिक्रिएशनल ब्लॉक में. जेल का एक ब्लॉक होता है रिक्रिएशनल ब्लॉक, जहां पे कैदी वगैरह खेलते वगैरह भी हैं और रिक्रिएट करते हैं अपने आप को, जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग. और वो जो रिक्रिएशनल ब्लॉक था वो डी विंग के बिल्कुल सामने था, डी विंग जिसके अंदर वो बंद था कैदी. तो उसके टीचर ने उसे जर्मन लैंग्वेज में कहा गुटन ग्लुक इवांस. इवांस ने कहा पार्डन? तो टीचर ने आगे से कहा गुडलक, गुडलक फॉर टुमारो. ओ थैंक्स, इवांस ने कहा थैंक्स, आई मीन डेंकेशून, मतलब थैंक. तो टीचर ने आगे से कहा यू हैवंट ए कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, तुम्हारा जरा सा भी चांस नहीं है पास होने का. ऑफ कोर्स, लेकिन आगे से इवांस ने कहा लेकिन आई मे सरप्राइज एवरीबडी, मैं शायद सबको हैरान कर दूं. इवांस ने कहा, अब उसने इस टोन में कहा कि वो हैरान कैसे कर दे, एग्जाम अच्छा करके या जेल से भागकर. तो आगे हम देखते हैं क्या हुआ. एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह 8:30 बजे इवांस हैड ए विजिटर. इवांस के पास एक विजिटर आया, टू विजिटर्स इनफैक्ट टू विजिटर्स आए. He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers and stood up from his bunk, smiling cheerfully. Evans, जिसने गंदी सी बनियान डाली हुई थी, उसने बनियान को पैंट के अंदर नीचे से सेट किया और खड़ा हो गया अपने बंक से. बंक एक छोटा सा टेबल टाइप होता है जिसके ऊपर वो सोते वगैरह हैं कैदी, और स्माइल करने लगा खुशी से और बोला मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन. मॉर्निंग किया उसने मिस्टर जैक्सन को. This is indeed an honor. मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप आए हैं. Jackson was the senior prison officer on D wing. जो Jackson था वो एक senior prison officer था D wing का, जिसके अंदर Evans बंद था. And he and Evans had already become warm enemies. और वो और Evans पहले से ही दुश्मन बन चुके थे. At Jackson's side, और Jackson की साइड में कौन खड़ा था? Stood officer Stephen. एक और ऑफिसर खड़ा था जिसका नाम था स्टीफन्स, ए बर्ली सरली लुकिंग मैन, एक हट्टा कट्टा तगड़ा सा आदमी खड़ा था. ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, और वो इस प्रोफेशन में अभी रिसेंटली रिक्रूट हुआ था, मतलब आया था. जैक्सन नोडेड कटली. जैक्सन ने अपने सिर को हिलाया. एंड हाउ इज आवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग, हमारा लिटिल आइंस्टाइन कैसा है आज सुबह? जैक्सन ने ये बात किसको कही? इवांस को कही, मतलब उसे टोंट कसते हुए कही. उसे क्या कह के बुलाया? आइंस्टाइन कह के बुलाया. तो आगे से वो भी बोल पड़ा जो इवांस था. इवांस कहता है वाजंट ही ए मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन, वो तो मैथमेटिशियन था ना जो आइंस्टाइन था. आई थिंक ही वाज ए ज्यू, मेरे ख्याल से वो ज्यू था मिस्टर जैक्सन. इवांस फेस वाज अनशेवन. इवांस का जो फेस था वो अनशेवन था, उसने शेव नहीं कर रखी थी. एंड ही वोर ए फिल्दी लुकिंग रेड एंड व्हाइट बोबल हैट अपॉन हिज हेड, और उसने गंदी सी दिखने वाली रेड और व्हाइट कलर की हैट पहनी हुई थी. बोबल एक टाइप की हैट होती है, उसने पहनी हुई थी अपने सर पर. और वो आगे से बोला गिव मी अ चांस, मुझे चांस दीजिए मिस्टर जैक्सन. आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव वेन यू बस्ट इन, मैं बस शेव करने ही वाला था जब आप आए. विच रिमाइंड्स मी, मुझे इससे याद आ गया. जैक्सन टर्न्ड हिज आईज ऑन स्टीफन्स. जैक्सन ने अपनी आंखों को घुमाया स्टीफन की तरफ और बोला मेक श्योर You take his razor out of the cell when he has finished scraping that ugly mug of his. ये पक्का कर लेना कि इसका razor ले लेना जब ये अपना गंदा सा मुंह साफ कर ले. Clear? बात समझ में आ गई? One of these days he will do us all a favor and cut his bloody throat. एक दिन ये हमारे पर एहसान करेगा इवांस और अपना गला खुद ही काट लेगा. For a few second Evans looked thoughtfully. थोड़े सेकंड के लिए इवांस देख रहा था सोचते हुए at the man, उस आदमी को देखते हुए
स्टैंडिंग रैमरॉड जो बिल्कुल सीधा खड़ा था इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स प्राउडली पैरेडेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट, और उस आदमी के जो लेफ्ट पॉकेट थी उसके ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो मेडल्स थे बहुत गर्व से पैरेडेड हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। मिस्टर जैक्सन, तो इवांस ने आगे से पूछा, मिस्टर जैक्सन, वाज इट यू हु टुक माय नेल सीजर्स अवे? क्या आपने मेरी नेल सीजर्स भी ली है? इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स, इवांस हमेशा चिंता करता था अपने हाथों के बारे में। तो आगे से जैक्सन बोला, एंड योर नेल फाइल टू, और हमने तुम्हारी नेल फाइल भी ले ली है, नेल फाइल जिससे शेप देते हैं नेल्स को। लुक, देखो, फॉर ए मोमेंट इवांस आईज स्मोल्डर डेंजरसली, एक क्षण के लिए जो इवांस की आंखें थी ऐसे गुस्से से जैसे लाल सी हो गई हो खतरनाक तरीके से। बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम, लेकिन जैक्सन भी इस चीज के लिए तैयार था, ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर, इवांस गवर्नर के ऑर्डर है। He leaned forward, जो जैक्सन था वो आगे की तरफ झुका एंड लियर्ड और घूरने लग गया। His voice dropping to a harsh, उसकी जो आवाज थी वो कठोर हो गई, contemptuous हो गई, नफरत वाली हो गई, और फिर वो धीरे से बोला, You want to complain? क्या तुम कोई कंप्लेन करना चाहते हो? Evans shrugged his shoulder lightly. Evans ने अपने कंधों को हल्के से हिलाया, The crisis was over, और वो जो crisis था, वो जो इतना बड़ा संकट था वो खत्म हो गया। दोनों के बीच ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई लड़ाई सी हो जाएगी। यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ अप, तुम्हारे पास आधा घंटा है अपने आप को स्मार्टन करने का, आधे घंटे में तैयार हो जाओ। इवांस, एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, और ये गंदी सी टोपी अपनी उतारो। मी एट, आगे से इवांस बोला, हु? इवांस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फिल्दी वुलन एंड स्माइल्ड सैडली। इवांस ने अपना हाथ बड़े प्यार से उस गंदी सी ऊन की टोपी पर रखा और स्माइल करने लगा उदास होकर, और आगे से बोला, डू यू नो मिस्टर जैक्सन, क्या आपको पता है मिस्टर जैक्सन, इट इज द ओनली थिंग दैट्स एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ, ये इकलौती चीज है जो मेरी लाइफ में कोई लक लेकर आई है, काइंड ऑफ लक्की चार्म, मेरे लिए लक्की चार्म है, जैसे किसी के लिए कोई चीज लक्की होती है। तो उसने कहा, ये मेरे लिए लक्की चार्म है, इफ यू नो व्हाट आई मीन, अगर आप समझे मेरा क्या मतलब है, एंड टूडे आई थॉट, और मैंने सोचा आज मैं, वेल विद मी एग्जाम एंड ऑल दैट, उसका कहने का मतलब था कि ये मेरे लिए लक्की है और आज मेरा एग्जाम है, तो एक दिन के लिए मुझे ये हैट को आप पहनने दें। बरिड समवेयर इन जैक्सन, जैक्सन के अंदर कहीं ना कहीं दफन थी, वो क्या थी, वाज ए टाइनी कोर ऑफ कंपैशन, थोड़ी सी दया, एंड इवांस न्यू इट, और इवांस को ये बात पता थी, और इवांस ने सोचा कि आज उस काइंडनेस को भी यूज कर लिया जाए, जस्ट दिस वंस, बस एक बार। Then Shirley Temple, जैक्सन ने कहा, Shirley Temple, Shirley Temple एक एक्ट्रेस थी जिसके जो हेयर थे वो लंबे थे और वेवी थे, तो जैक्सन ने उसको Shirley Temple कह के पुकारा इवांस को, क्योंकि उसके भी हेयर लंबे थे और वेवी थे। एक चीज थी जिससे जैक्सन बहुत ज्यादा नफरत करता था और वो था इवांस के लॉन्ग वेवी हेयर को, और उसने उसको कहा, एंड गेट शेविंग, और शेविंग कर लेना। एट 8:45 द सेम मॉर्निंग, 8:45 पर उसी सुबह रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड्स कारफैक्स। अब जो स्टुअर्ट मैक्लेरी था जिसने एग्जाम लेने के लिए आना था, जो एक चर्च का पादरी था, वो अपने बैचलर फ्लैट से निकला। बैचलर फ्लैट क्या होता है, जिसमें एक ही आदमी रहता है, सिंगल के लिए बना होता है, सारे इंतजाम ऐसे ही होते हैं कि एक सिंगल पर्सन के लिए। उसने अपने फ्लैट को छोड़ा जो कहां पे था, बोर्ड स्ट्रीट में, और अपना कदम आगे बढ़ाया तेजी से, किस तरफ, कारफैक्स, जो एक जगह का नाम है, एक चौराहा है, उसकी तरफ कदम बढ़ाया। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून, जो मौसम का हाल बताने वाले थे उन्होंने बताया था कि जो आज टेम्परेचर है वो थोड़ा नॉर्मल से कम रहेगा अर्ली जून में। एंड ए लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और जो मैक्लेरी है उसने एक लंबा सा काला ओवरकोट पहना हुआ है और एक शेलो क्राउन क्लेरिकल हैट पहनी हुई है, एक क्लेरिकल हैट होती है, टोपी उसने पहनी हुई है। प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टीडी ड्रिजल विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर, और वो जो उसने हैट पहनी हुई है उसका बचाव कर रही है बूंदाबांदी से जो आधा घंटा पहले चालू हुई थी। एंड विच नाउ स्पैटर्ड द थिक लेंसेस ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, लेकिन अब क्या हो चुका है, जो मोटे मोटे उसके चश्मे के शीशे हैं उसके ऊपर अब पानी लग गया है और वो स्पैटर्ड हो गए हैं। इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस,
अपने राइट हैंड में उसने एक छोटा सा ब्राउन सूटकेस पकड़ा हुआ है, विच कंटेन ऑल ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज। उसमें वो सारी चीजें हैं जो उसे आज मॉर्निंग की ड्यूटीज के लिए जरूरत होगी, इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, एक क्वेश्चन पेपर एनवलप है, येलो इनविजिलेशन फॉर्म है, एक येलो इनविजिलेशन फॉर्म है, ए स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड है फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड। स्पेशल ऑथेंटिकेशन मतलब कि वही असली इनविजिलेटर है, उसके पास ऑथेंटिकेशन कार्ड है जो उसे कहां से मिला है, एग्जामिनेशन बोर्ड से। और एक पेपर नाइफ है और एक बाइबल है। बाइबल उसने इसलिए रखी हुई है, ब्रैकेट में लिखा गया है कि ही वाज टू स्पीक ऑन द विमेंस गिल्ड दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रूथ। आज उसने एक विमेन के ग्रुप को एड्रेस करना है और किस टॉपिक पर एड्रेस करना है, बुक ऑफ रूथ पर, वो भी एक तरीके की बाइबल है। और उसके पास क्या है, उसके ब्रीफ केस में एंड ए करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम, और चर्च टाइम्स न्यूज़पेपर की एक करंट कॉपी है उस ब्रीफ केस में। द 2 आवर एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM। 2 घंटे का जो एग्जाम होना है उसका जो टाइम है वो 9:15 पर स्टार्ट होना है मॉर्निंग में। Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square table. जो Evans था अपने चेहरे को रगड़ रहा था, मतलब शेव कर रहा था, जब स्टीफन क्या लेकर आया, 2 छोटे-छोटे स्क्वायर टेबल लेकर आया, and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other a distemper stone wall. और उन टेबल्स को उसने आमने सामने रख दिया एक नैरो स्पेस में, और वो नैरो स्पेस कहाँ था, उसके बंक के बीच में, और दूसरी तरफ क्या थी, एक स्टोन वॉल थी, उसके बीच में जो जगह थी वहां पर उसने रख दिए। नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 hard chairs। नेक्स्ट स्टीफन क्या लेकर आया, 2 सख्त सी चेयर लेकर आया, द स्लाइटली लेस बैटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियर द सेल डोर। जो कम खराब सी चेयर थी उसने रख दी टेबल के सामने, और वो वाले टेबल के सामने जो सेल डोर के पास था। जैक्सन आया, पुट ए ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, उसने अंदर से देखा उसकी सेल को, कोठरी को, और उसको कहा Evans को, बिहेव योरसेल्फ लेडी, अच्छा बिहेव करना लेडी, लड़के। Evans टर्न एंड नोडेड, Evans मुड़ा और उसने सिर को नोड कर दिया, हाँ भर दी। एंड दिस, और ये क्या है, जैक्सन पॉइंटेड टू पिनअप्स, जैक्सन ने इशारा किया पिनअप्स की तरफ, ऑफ, उतारो इन्हें। पिनअप क्या होता है, जो लड़के वगैरह अकेले रहते हैं तो वो ऐसे अपने कमरे में पोस्टर वगैरह लगा देते हैं, कैसे भी अडल्ट से पोस्टर लगा देते हैं, तो उसके बारे में उसने उसको कहा इसे उतारो। Evans turned and nodded again, Evans मुड़ा, फिर उसने नोड कर दिया, हामी भर दी, और आगे से बोला I was going to take them down anyway, मैंने उतारने ही वाला था। ए मिनिस्टर, isn't he? मिनिस्टर है ना, क्या नहीं है वो, द चैप कमिंग टू सिट इन, वो आदमी जो यहाँ बैठने आ रहा है, मेरा मतलब है कि जो इनविजिलेटर है वो मिनिस्टर है ना, तो मिनिस्टर क्यों कहा गया है, क्योंकि जो चर्च के पादरी होते हैं उनको मिनिस्टर भी कहा जाता है, उनको एक ऊंची पदवी दी जाती है। तो जैक्सन ने उससे पूछा एंड हाउ डिड यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता कि वो पेपर लेने आ रहा है मिनिस्टर, आज जैक्सन क्वाइटली। जैक्सन ने आराम से पूछा, वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स, मुझे कुछ फॉर्म्स को साइन करना था, डिडेंट आई क्या, मुझे नहीं करना था, एंड आई कुडंट हेल्प, और मैंने देख लिया, मतलब जब मैं फॉर्म को साइन कर रहा था तो मैंने देख लिया कि कौन पेपर लेने आ रहा है, इनविजिलेटर कौन है। Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swath in the white leather. Evans ने बड़े ही ध्यान से खींचा अपने रेजर को अपने गालों के ऊपर, और जो नीट साफ सुथरा स्वेट था व्हाइट लेदर का वो छोड़ दिया, मतलब वो शेव कर रहा था। Can I ask you something, Mr. Jackson? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन? Why did they have to bug me in this cell? मुझे ये बग क्यों किया गया सेल में? बग होता है कि एक छोटे से माइक्रोफोन्स होते हैं जो छुपा कर लगा देते हैं ताकि हम किसी की भी आवाज को सुन सकें। He nodded his head vaguely to a point above the door. उसने अपना सर ऊपर की तरफ किया, Evans ने, दरवाजे के ऊपर जहाँ पे वो माइक्रोफोन लगा हुआ था। तो आगे से जैक्सन बोला, Not a very neat job, considered Jackson. हाँ, बड़ा सफाई से नहीं लगाया, मतलब इसको पता लग गया Evans को कि ऊपर लगा हुआ है। तो आगे से Evans बोला, They are not, वो नहीं, They don't honestly think I am going to try to, वो वाकई में सोच रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा, मतलब मैं भागने की कोशिश करूंगा। तो आगे से जैक्सन ने कहा, They are taking no chances,
वो कोई चांस नहीं ले रहे हैं एडवांस। नोबडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू, कोई भी इंसान जिसमें सेंस हो तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं लेगा। तो आगे से एडवांस ने कहा, हु इज गोइंग टू लिसन इन, कौन मेरी बातें सुनेगा ये सब? तो जैक्सन ने कहा, आई टेल यू हु इज गोइंग टू लिसन इन लेडी, मैं तुम्हें बताता हूँ लड़के कौन सुनेगा तुम्हारी बातें, इट इज द गवर्नर हिमसेल्फ। सी, गवर्नर खुद तुम्हारी बातें सुनेगा। ही डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच, वो तुम्हारे ऊपर जरा भी एतबार नहीं करता। एंड नो डू आई, और मैं भी नहीं करता। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक ए हॉक, मैं तुम्हें बाज की तरह देखता रहूंगा। इवांस, सो कीप योर नोज क्लीन, अपनी नाक को साफ रखना। क्लियर, सब बात क्लियर है? ही वॉक टूवर्ड्स द डोर, जैक्सन डोर की तरफ गया। इवांस ने नोट किया, हाँ, ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, इवांस ने पहले से ही सोच लिया था। एंड नंबर टू हैंकरचीफ, उसका जो नंबर टू रुमाल था, वॉज लाइंग रेडी ऑन द बंक, उसके बंक पर पड़ा हुआ था। इन नीटली फोल्डेड, बिल्कुल साफ सुथरा फोल्ड किया हुआ स्क्वेयर ऑफ वाइट कलर का लिनन का कपड़े का रुमाल वहां पे पड़ा हुआ था। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन, एक और चीज आइंस्टाइन, जैक्सन ने कहा। यो व्हाट्स दैट, क्या? गुड लक ओल्सन, गुड लक, मतलब तुम्हारा पेपर है, उसके लिए विश किया, गुड लक। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन्स मेन गेट्स, जो जेल का मेन गेट था उसके अंदर जो एक छोटा सा कमरा था, वहां पर क्या हुआ? द रेवरेंड एस मैक्लेरी साइंड हिज नेम नीटली इन द विजिटर्स बुक, वो जो इनविजिलेटर है मैक्लेरी, वो आ गया और उसने अपना नाम लिखा विजिटर बुक में, साफ साफ अपना नाम लिखा। एंड थेंस वॉक साइड बाय साइड विद ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू डी विंग। फिर एक जो चुपचाप जेल का ऑफिसर चल रहा था उसके साथ मैक्लेरी चल पड़ा, उन्होंने पार किया, कहां से निकले, एक्सरसाइज यार्ड को पार किया, वहां से निकले और डीविंग पर गए। वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाय जैक्सन, जहां पे उसका स्वागत किया जैक्सन ने, वहां पे उसको जैक्सन मिला। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड, जो डी विंग का भारी बाहर का दरवाजा था उसे अनलॉक किया गया एंड लॉक बिहाइंड देम, और जब वो अंदर चले गए तो दोबारा से लॉक कर दिया गया। द हैवी इनर डोर द सेम, अंदर एक और डोर था इनर डोर, वो भी वैसा ही था। एंड मैक्लेरी वॉज हैंडेड इन टू स्टीफन कीपिंग, और मैक्लेरी को सुपुर्द कर दिया गया स्टीफन के। गेट द रेजर, मर्मट जैक्सन, जैक्सन धीरे से बोला स्टीफन को, रेजर ले लेना। स्टीफन नोटेड, स्टीफन ने नोट कर दिया, अपना सिर हिला दिया। वेल, कीप योर आईज स्किन्ड, क्लियर? और जैक्सन ने उसको कहा अपनी आंखें जमाए रखना उसके ऊपर। स्टीफन ने फिर सिर को हिला दिया। एंड मैक्लेरी इज फीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स, उसके जो फीट हैं वो वाइब्रेट से कर रहे हैं, आवाज से आ रही है, क्योंकि एक वो लोहे की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। फॉलोड हिज न्यू गाइड, और किसको फॉलो कर रहा है? अपने नए गाइड को। एंड फाइनली स्टूड बिफोर ए सेल डोर, और आखिरकार कहां पहुंच गए? जिस सेल के अंदर इवांस बंद था उस डोर के बिल्कुल सामने पहुंच गए मैक्लेरी और स्टीफन। वेयर स्टीफन ओपन द पीप होल एंड लुक थ्रू, जहां पर स्टीफन ने पीप होल को खोला, पीप होल जो छोटा सा होल होता है दरवाजे पर लगा होता है अंदर देखने के लिए, तो उसने पीप होल को खोला और अंदर देखा। दैट्स हिम सर, ये है वो सर, मतलब जिसका आपने एग्जाम लेना है वो ये है। इवांस फेसिंग द डोर, इवांस का मुंह डोर के तरफ था, सेट क्वाइटली चुपचाप बैठा हुआ था। एट द फार्दर ऑफ द टू टेबल से परे, His whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar. उसका जो पूरा ध्यान था वो कहाँ पे लगा हुआ था? एक textbook में जो elementary German grammar की थी। Stephen took the key from its ring. Stephen ने एक चाबी निकाली बड़े से ring से, जैसे बड़ी सारी चाबियाँ होती हैं तो उनमें से एक निकाली। And the cell lock sprang back. और जो cell का lock था, कोठरी का जो lock था, उसने पीछे से थोड़ा सा स्प्रिंग सा किया, उछला बैक विद ए थडेड मेटेलिक ट्वैंग, और वहां पे कैसी आवाज आई? एक थड की, मेटल की ट्वैंग की, मेटल की आवाज आई, मतलब लॉक में से। इट वॉज 9:10 AM, 9:10 हो चुके थे व्हेन द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर, गवर्नर ने स्विच ऑन कर दिया रिसीवर को, स्विच ऑन मतलब उस रिसीवर को जिससे वो बात सुन पाएगा, क्योंकि माइक्रोफोन वहां पर लगा हुआ है जहां पे एग्जाम होना है। He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precautions.
गवर्नर ने जैक्सन को इंस्ट्रक्ट किया था कि वहां उसको बता दें जो हमने टेम्परेरी छोटी छोटी सावधानियां बरती हैं। दैट वॉज ओनली फेयर, और ये बात फेयर थी। एज इफ इवांस वुडंट सपोर्ट इट, गवर्नर ने ऐसे जैक्सन को कहा था जैसे इवांस को पता लगता ही ना। इवांस को तो वैसे भी पता लग गया था कि उन्होंने क्या कर रखा है, बग कर रखा है। बट वाजंट इट ऑल अ बिट थिएट्रिकल, लेकिन ये सारा कुछ थिएटर जैसा नहीं हो रहा? स्कूल बॉय ऑलमोस्ट जैसे कि हम स्कूल बॉय के साथ करते हैं, स्कूल बॉय जैसे ड्रामा करते हैं, वैसे नहीं हो रहा? हाउ ऑन द अर्थ वाज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे? गवर्नर ने सोचा कि कैसे करेगा इवांस, अगर वो कोई कोशिश करना भी चाहे तो कैसे करेगा? इफ ही वाज सो एंग्शियस टू मेक अनदर ब्रेक, अगर उसने एक और ब्रेक करना ही था, एक बार और भागना ही था, व्हाई इन हेवंस नेम हैडंट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक? उसने ट्राई क्यों नहीं किया जब वो रिक्रिएशनल ब्लॉक में था? वहां पे ट्राई कर लेता अगर उसने भागना होता तो, मच इजियर, वहां से भागना तो आसान था। बट ही हैडंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एंड देयर ही वाज नाउ, अब वो वहां पे है, सिटिंग इन ए लॉक्ड सेल, वो बैठा हुआ है एक ऐसी कोठरी में जो लॉक हो रखी है। ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, और जितने भी जेल के ऑफिसर हैं सब अलर्ट हैं। टू मोर लॉक्ड डोर्स बिटवीन हिज सेल एंड द यार्ड, दो और ऐसे डोर हैं जो लॉक्ड हैं उसकी सेल के बीच में और यार्ड के बीच में। एंड ए यार्ड विद ए वॉल एज हाई एज ए हेस्टैक, और जो यार्ड की दीवार है वो इतनी हाई है जितने बड़े क्या होते हैं, हेस्टैक्स होते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं घास फूस का ढेर लगा देते हैं, तो कहते हैं उतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। यस, इवांस वाज एज सेफ एज हाउसेस, इवान बिल्कुल सेफ था, वो अब भाग नहीं सकता था, ऐसा गवर्नर ने सोचा। एनीवे इट वुडंट बी एनी ट्रबल एट ऑल to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. तो गवर्नर ने सोचा कोई मुसीबत नहीं होगी अगर मैं रिसीवर को ऑन कर भी देता हूँ एक दो घंटे के लिए, नेक्स्ट जो एक दो घंटे हैं उसके लिए। इट वॉज नॉट एज इफ देर वॉज गोइंग टू बी एनी थिंग टू लिसन टू, कोई भी चीज सुनने लायक नहीं होगी, क्या कुछ होगा सुनने लायक? उसने सोचा among us other things, सब चीजों के बीच में an invigilator's duty was to ensure, invigilator की ड्यूटी ये भी तो है कि वो पक्का करे that the strictest silence was observed, कि वहां पे पूरा साइलेंस हो, कोई बोले ना, तो इसलिए सुनने लायक तो कुछ होगा नहीं। but still that little nagging doubt, लेकिन अभी भी वो परेशान करने वाला डाउट है। might Evans try to take advantage of McCleary, कहीं ऐसा ना हो कि जो Evans है कोशिश करे फायदा उठाने का McCleary से, कोई get him to smuggle in a chisel or two or a rope ladder or, और कहीं वो स्मगल ना करवा ले अंदर कोई चीजल, कोई छेनी या ऐसी कोई चीज, या कोई रस्सी की सीढ़ी। बस ये एक डाउट है कि उसने कुछ ऐसा ना कर दिया हो, अंदर कोई सामान गलती से ना आ गया हो जिसका यूज इवांस कर ले। द गवर्नर सेट अप शार्पली, जो गवर्नर था बिल्कुल सीधा बैठ गया। उसने सोचा इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन्स दैट इवांस कुड हैव यूज्ड, ये तो बिल्कुल ठीक था, छुटकारा पा लेना उस किसी भी हथियार से जिसका इवांस यूज कर सकता था। बट व्हाट अबाउट McCleary, लेकिन McCleary का क्या होगा? व्हाट इफ क्वाइट अनविटिंगली द इनोसेंट McCleary हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, कहीं ऐसा ना हो कि बिना सोचे समझे McCleary कोई चीज अंदर ऐसी ले आया हो खुद ही, ए जैक नाइफ परहैप्स, शायद जैक नाइफ ले आया हो। एंड व्हाट इफ, और क्या होगा इफ इवांस हेल्ड हिम होस्टेज विद सच ए वेपन, अगर इवांस ने उसे होस्टेज बना लिया, मतलब उसे अपने कब्जे में ले लिया, McCleary को उसके गले पे कुछ रख दिया और उसको होस्टेज बना के यहां से भाग ना जाए। द गवर्नर रीच फॉर द फोन, गवर्नर ने अपना हाथ फोन की तरफ बढ़ाया। इट वॉज 9:12 AM, 9:12 हो चुके थे। द एग्जामिनी एंड द इनविजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन, जो एग्जामिनी था इवांस था और जो इनविजिलेटर था मतलब McCleary था, उन दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया था, स्टीफन ने करवा दिया था। व्हेन जैक्सन केम बैक एंड शाउटेड टू McCleary थ्रू द सेल डोर, जब जैक्सन वापस आया और वो चिल्लाया, McCleary को बुलाया उसने थ्रू द सेल डोर से, और क्या कहा? कैन यू कम आउटसाइड ए मिनट सर, क्या आप एक मिनट बाहर आ सकते हैं सर, उसने McCleary से कहा, जैक्सन ने। यू टू स्टीफन, स्टीफन तुम भी बाहर आ जाओ। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज, जैक्सन ने एक्सप्लेन किया गवर्नर की चिंताओं को। एंड McCleary पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म एट शोल्डर लेवल विल्स
और मैक्लरी ने क्या किया, अपने हाथ दोनों उठा लिए शोल्डर लेवल पर अपनी तलाशी देने के लिए। जैक्सन लाइटली फ्रिस्क्ड हिज क्लोथ्स, जैक्सन ने धीरे धीरे तलाशी ली उसके कपड़ों की। समथिंग हार्ड हेयर सर, यहाँ पे कोई चीज हार्ड है सर। हाँ, रीडिंग ग्लासेस, उसने कहा मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं, रिप्लाइड मैक्लरी। मैक्लरी ने रिप्लाई किया लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस, नीचे देखते हुए अपने चश्मे के केस को। जैक्सन क्विकली रीश्योर्ड हिम, जैक्सन ने उसे विश्वास दिलाया एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक द कैचेस ऑन द सूट केस, और नीचे की तरफ गया जहां सूट केस पर एक थंब से दबाकर सूट केस खुल जाता है, उसके ऊपर अपना हाथ रखा। ही पिक्ड अप ईच एनवेलप इन टर्न, उसने एक एक लिफाफा जो अंदर था ब्रीफ केस में उसको निकाला। केयरफुली पास्ड हिज पाम अलोंग देयर सरफेसेस, और ऊपर से पाम में से अपने निकाला, अपनी हथेलियों के बीच में से दबा कर देखा कि उसके अंदर कुछ है तो नहीं, एंड सीम्ड सेटिस्फाइड, और ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल संतुष्ट है। ही रिफल्ड कर्सोरली थ्रू ए फ्यू पेजेस ऑफ होली रिट, अंदर जो होली रिट थी, जो बुक थी अंदर बाइबल की, उसने एक एक पेज को ऐसे जैसे हम पकड़ कर देखते हैं, छांटते हैं, उसको छांटा। एंड वेगली शुक द चर्च टाइम्स, और जो न्यूज़पेपर था उसको जलाया, मतलब उसमें कोई चीज ना हो। ऑल राइट सो फार, अब तक ठीक है, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मैक्लरी सूटकेस वाज पजलिंग हिम सॉरली, लेकिन एक चीज ऐसी थी मैक्लरी के सूटकेस में जो उसको बहुत ज्यादा पजल कर रही थी, परेशान कर रही थी। तो उसने कहा डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई यू हैव ब्रॉट दिस सर, आप बुरा तो नहीं मानेंगे मुझे ये बताने का कि आप ये चीज क्यों लेकर आए सर। ही हेल्ड अप ए स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, उसने अपने हाथ में क्या पकड़ा, एक छोटा सा आधा फूला हुआ रबर का रिंग, सच एज ए यंग चाइल्ड विद ए वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस माइट हैव स्ट्रगल इनटू। वो इतना छोटा सा रबर रिंग था कि कोई छोटा सा बच्चा जिसकी वेस्ट अबाउट 12 इंचेस हो, उसको भी उसके अंदर जाने में क्या हो, डिफिकल्टी हो। तो उसने उसको कहा यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर ए स्विम सर, क्या आप तैरने की सोच रहे थे अंदर। मैक्लरी हिथर्टो एमिएबल डेमिनर वॉज स्लाइटली रफल्ड अप बाय दिस टेस्टलेस लिटिल प्लेजेंट्री। मैक्लरी जो अब तक बिल्कुल फ्रेंडली उसका बिहेवियर था, डेमिनर था, ऊपर से दिख रहा था, वो थोड़ा सा रफल्ड हो गया, खराब हो गया इस टेस्टलेस प्लेजेंट्री से, जो उसने टेस्टलेस बात कही थी अभी कि आप तैरने जा रहे थे। एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवॉट सॉरली, और उसने जैक्सन को आंसर दिया थोड़ा गुस्से से, कहता है इफ यू मस्ट नो, अगर आप जानना ही चाहते हैं, आई सफर्ड फ्रॉम हेमोरॉइड्स, मुझे प्रॉब्लम है हेमोरॉइड्स की, पाइल्स की, हेमोरॉइड्स मतलब होता है पाइल्स, एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, जब मुझे बैठना पड़ता है थोड़ा ज्यादा देर इसके ऊपर बैठता हूँ। तो जो जैक्सन था उसने कहा वेरी सॉरी सर, आई डेंट मीन टू, मतलब मेरा ये मतलब नहीं था, आपका मजाक उड़ाने का मतलब नहीं था। द एम्बेरसमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग जैक्सन चीक्स वेन ई फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस, जो शर्म थी अभी भी लाल कर रही थी जैक्सन के गालों को, जब उसको एक पेपर नाइफ मिला उस ब्रीफ केस में बॉटम पर। आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस दो, मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा है मैं ही अपने पास रख लूँ, इफ यू डोंट माइंड दैट इज सर, अगर आप बुरा ना माने तो ये पेपर नाइफ मैं ही रख लेता हूँ। इट वॉज 9:18 AM, 9:18 हो गए बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइस, गवर्नर ने उनकी आवाजों को सुना दोबारा, एंड इट वॉज क्लियर that the examination was going to be more than a little late in getting underway, कि जो examination था वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। actually में exam शुरू होना था 9:15 पर, और already 9:18 हो चुके थे। मैक्लरी अब बोल रहा है you have got a watch, क्या तुम्हारे पास watch है, घड़ी है। Evans, yes sir, हाँ है। मैक्लरी, I will be telling you when to start, मैं तुम्हें बताऊंगा कब शुरू करना है, एंड अगेन when यू हैव 5 मिनट लेफ्ट, और दोबारा बताऊंगा जब सिर्फ पेपर खत्म होने में 5 मिनट बचे होंगे, राइट। साइलेंस हो जाता है फिर। मैक्लरी, देर इज प्लेंटी मोर और दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट, कुछ और भी चीजें हैं जो तुमने लिखनी है इस पेपर में। फिर साइलेंस हो जाता है। मैक्लरी, नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर, अब पेपर का जो नाम है वो लिख दो, 0211 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ये पेपर का नेम लिख दो, 0211। फिर साइलेंस हो जाता है। मैक्लरी, इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर,
और टॉप के राइट हैंड कॉर्नर में राइट योर इंडेक्स नंबर, अपना इंडेक्स नंबर लिखो 313, एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट और उसके नीचे जो बॉक्स है राइट योर सेंटर नंबर, अपना सेंटर नंबर लिखो, जहां पे हम एग्जाम देते हैं वो सेंटर नंबर 271 राइट। तो 271A राइट, तो उसने ये नंबर लिख दिया। साइलेंस। 9:20 AM, 9:20 हो गए। मैक्लेरी, आई एम नाउ गोइंग टू। इवांस, एस नॉट गोइंग टू स्टे हेयर सर, क्या ये यहीं पे रहेगा सर? क्योंकि उसके पास कौन खड़ा हुआ था? स्टीफन। मैक्लेरी, आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे इस बारे में नहीं पता। स्टीफन, मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू, मिस्टर जैक्सन ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि मुझे यहीं पे खड़े रहना है। इवांस आगे से बोला, हाउ एम आई सपोज टू कंसेंट्रेट ऑन माई एग्जाम, मैं अपने एग्जाम पर कंसेंट्रेट कैसे करूंगा? विथ समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक, मेरे सिर के ऊपर अगर कोई खड़ा होगा तो मैं अपने एग्जाम पे कंसेंट्रेट कैसे करूंगा? क्राइस्ट, ओ भगवान, सॉरी सर, आई डिडंट मीन, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं चिल्ला पड़ा, मैंने चिल्ला के बोल दिया, इवांस कहता है। द गवर्नर रीच फॉर द फोन, गवर्नर ने फोन उठाया। जैक्सन, ओ गुड, गेट स्टीफन आउट ऑफ द सेल, स्टीफन को कहो कि उसकी कोठरी से, उसके रूम से बाहर निकल जाए। विल यू, क्या तुम कहोगे? आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स, हम कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, मतलब ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं। एज यू विश सर, जैक्सन ने कहा, जैसे आपकी इच्छा सर। द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, गवर्नर ने सुनी जो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर, एक बार फिर डोर के क्लैंग होने की आवाज आई, आवाज इसलिए आई होगी क्योंकि वो जो स्टीफन था वो डोर से बाहर गया होगा। एंड हर्ड मैक्लेरी अनाउंस, और फिर गवर्नर ने सुना कि जो मैक्लेरी है वो अनाउंस कर रहा है दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट, कि एग्जामिनेशन अब शुरू हो गया है। इट वॉज 9:25 AM एंड देर वॉज ए ग्रेट काम, जो पेपर था वो शुरू हुआ, एग्जाम था वो शुरू हुआ 9:25 पर, और 2 घंटे का एग्जाम था, 11:25 पर खत्म होना था और अब पूरी शांति थी। एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू, 9:40 पर एग्जामिनेशन बोर्ड से फोन आया। एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेज, और जो असिस्टेंट सेक्रेटरी था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मॉडर्न लैंग्वेज के लिए, जर्मन एक मॉडर्न लैंग्वेज है, उसकी आस्क टू स्पीक टू द गवर्नर, उसने कहा कि वो गवर्नर से बात करना चाहता है। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, जो एग्जामिनेशन था वो पहले से स्टार्ट हो चुका था, नो डाउट, हाँ, ए क्वार्टर एन आवर एगो, गवर्नर ने कहा, हाँ 15 मिनट पहले शुरू हो गया है। यस वेल देर वॉज ए करेक्शन स्लिप विच सम फूल हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज, तो उन्होंने कहा कि करेक्शन स्लिप है, मतलब क्वेश्चन पेपर में कोई गलती होती है तो उसको सही कराना होता है, तो वो करेक्शन स्लिप होती है। तो उसने कहा एक करेक्शन स्लिप है जो कोई बेवकूफ भूल गया रखना एग्जामिनेशन पैकेज में, वेरी ब्रीफ, कुड द गवर्नर प्लीज, क्या मैं गवर्नर से बात कर सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, हाँ हाँ, आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डी विंग, मैं आपकी सीधी बात करवाता हूँ मिस्टर जैक्सन से जो डी विंग में है। होल्ड द लाइन ए मिनट, आप एक मिनट वेट करें। Was this the sort of thing the governor had feared? Governor ने सोचा क्या वे यही चीज है जिसका मुझे डर था? Was the phone call a fake? कहीं ये phone call कोई fake तो नहीं है, कोई धोखा तो नहीं है, नकली तो नहीं है? Some signal, कोई signal तो नहीं है? Some secret message, कोई secret message तो नहीं है? But he could check on that immediately. लेकिन उसने कहा इस बात को तो मैं check कर सकता हूँ। He dialed the number of the examination board. उसने एग्जामिनेशन बोर्ड के नंबर को, फोन नंबर को मिलाया, बट हर्ड ओनली द स्टेकेटो ब्लीप्स ऑफ ए लाइन एंगेज्ड, लेकिन उसे ऐसी ब्लीप सुनाई दी जो किस चीज की होती है, जब लाइन एंगेज जाती है, जब फोन एंगेज जाता है, जैसी आवाज आती है उसे वैसी आई, और वह श्योर हो गया कि ये फोन वहीं से आया है। बट देन द लाइन वॉज एंगेज, वाजंट इट, लाइन एंगेज थी क्या? नहीं थी? यस, नॉट वेरी इंटेलिजेंट, उसने कहा कि इतनी भी इंटेलिजेंस की बात नहीं है, ये तो एक सिंपल सी बात है, कोई भी पता लगा सकता है कि फोन एंगेज है। 2 मिनट्स लेटर, 2 मिनट बाद ही हर्ड सम विस्पर्ड कम्युनिकेशन इन द सेल, जो गवर्नर था उसने हल्की हल्की आवाजें सुनी उस कोठरी में जहां पर पेपर चल रहा था। एंड देन मैक्लेरी ब्रोड स्कॉट्स वॉइस, और उसके बाद जो मैक्लेरी की आवाज थी, ब्रोड सी स्कॉटिश एक्सेंट में वो बोल रहा था, वो सुनाई दी, और वो क्या कह रहा है? विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अवी वाइल, क्या थोड़ी देर के लिए आप लिखना बंद करेंगे मिस्टर इवांस?
एंड लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुने, कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन, वो कैंडिडेट्स जो जर्मन का एग्जाम दे रहे हैं 0 to 1-1 शुड नॉट द फॉलोइंग करेक्शन, उन्हें नोट करना चाहिए कि कुछ करेक्शन है जो क्वेश्चन पेपर में करनी है। ऑन पेज 3, पेज नंबर 3, लाइन नंबर 15, द फोर्थ वर्ड, जो फोर्थ वर्ड है शुड रीड, उसे पढ़ा जाना चाहिए गोल्डन, पढ़ा जाना चाहिए नॉट गोल्डन, एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड, और पूरा का पूरा जो फ्रेज है वो इस तरीके से पढ़ा जाएगा। मतलब उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में बोला, जम गोल्डन इन जो भी बोला, ये पूरी लाइन को बोला, और उसने बोला आई विल रिपीट दैट, मैं रिपीट करता हूं, द गवर्नर लिसन एंड स्माइल्ड, जो गवर्नर था उसने सुना और स्माइल करने लग गया, ही हैड टेकन जर्मन इन द सिक्स फॉर्म हिमसेल्फ, उसने भी जर्मन पढ़ी थी अपनी सिक्स क्लास में, सिक्स फॉर्म में, एंड ही रिमेम्बर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव, और उसे सब याद था कि एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, एक ग्रामर का एक पार्ट होते हैं, उसे याद था, एंड सो डिड मैक्लरी, और वैसे ही याद थे मैक्लरी को, मैक्लरी को भी आते थे, बाय द साउंड ऑफ द थिंग्स, जैसा गवर्नर ने सुना उसे ऐसा लगा कि उसे सब कुछ आता था, फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनंसिएशन वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव, लेकिन जो मिनिस्टर की प्रोनंसिएशन थी वो ज्यादा इम्प्रेसिव थी, बट वट अबाउट इवांस, गवर्नर ने सोचा लेकिन इवांस का क्या है, ही प्रोबेबली डिडंट नो वट एन एडजेक्टिव वॉज, उसे तो शायद पता ही नहीं होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। द फोन रैंग अगेन, फोन फिर दोबारा बजा, अब ये दूसरी बार फोन आया है, एक बार पहले आया था जो क्वेश्चन पेपर में करेक्शन के लिए आया था, अब ये दूसरा फोन आया द मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट के कोर्ट से आया, दे नीडेड ए प्रिजन वैन एंड ए कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, उनको जरूरत थी एक जेल की वैन की और दो जेल के ऑफिसर्स की, रिमांड केस, कोई रिमांड केस था, एंड विद इन 2 मिनट्स, और 2 मिनट के अंदर अंदर द गवर्नर वॉज वंडरिंग, गवर्नर सोच रहा था वेदर दैट कुड बी हॉक्स, क्या ये भी जो कॉल है वो हॉक्स हो सकती है, नकली हो सकती है, धोखा हो सकती है, ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, उसने अपने आप से ही कहा इतना भी बेवकूफ मत बनो, हिज इमेजिनेशन वॉज बिगिनिंग टू रन रायट, उसकी जो इमेजिनेशन थी वो ज्यादा ही रायट हो रही थी, अनकंट्रोल्ड हो रही थी। इवांस, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टीफन हैड ड्यूटीफुली पीयर थ्रू द पीप होल, पहले 15 मिनट जो स्टीफन था वो बड़े ड्यूटीफुली से झांक रहा था पीप होल के बीच में से, एट इंटरवल ऑफ 1 मिनट, एक एक मिनट बाद बार बार देखता था, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद एवरी 2 मिनट्स उसने अंदर देखना शुरू किया, हर 2 मिनट बाद, पहले हर 1 मिनट बाद देख रहा था, अब 2 मिनट्स बाद देख रहा था। एट 10:45 AM और 10:45 जब हुए, एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑल राइट, हर चीज बिल्कुल ठीक ठाक थी, एज ही लुक थ्रू द पीप होल वंस मोर, जब उसने एक बार फिर पीप होल से देखा, इट टुक 4 or 5 seconds नो मोर, 4 या 5 seconds लगते थे, ज्यादा नहीं, वट वॉज द पॉइंट, उसने कहा फायदा क्या है, इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम, जब भी वो देखता था सीन अंदर का बिल्कुल सेम ही होता था। इवांस हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, इवान का पेन उसके होठों में होता था, सेट स्टीयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, बैठा होता था सीधा घूरता हुआ उसके सामने, टुवर्ड्स द डोर, डोर की तरफ वो घूर रहा होता था, सीकिंग इट सीम्ड सम सॉरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, ऐसा लगता था वो डोर को ऐसे देखता रहता था जैसे उसे कोई इंस्पिरेशन चाहिए, वहां से कोई प्रेरणा चाहिए, कहीं से कोई प्रेरणा ढूंढ रहा है। एंड अपोजिट हिम मैक्लेरी, और उसके सामने कौन बैठा था, मैक्लेरी, सिटेड स्लाइटली एस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ, वो बैठा हुआ था टेबल से थोड़ा सा मुड़कर बैठा हुआ था, हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, उसका जो फेस था वो थोड़ा सा सेमी प्रोफाइल दिखाई दे रहा था, बिल्कुल सीधा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा बैठा था, तो फेस भी इस तरीके से पूरा दिखाई नहीं दे रहा था, साइड से दिखाई दे रहा था। हिज हेयर, उसके जो हेयर थे, एज स्टीफन हैड नोटिस, स्टीफन ने नोटिस किया था, एमेच्योरिशली क्लिप्ड प्रिटी क्लोजली टू द स्कैल्प, उसके जो हेयर थे बिल्कुल छोटे छोटे कटे हुए थे, बिल्कुल खोपड़ी के पास इतने छोटे छोटे हेयर उसके कटे हुए थे। हिज आईज बिहाइंड द पेबल लेंसेस पियरिंग शॉर्ट साइटेडली एट द चर्च टाइम्स,
उसकी आंखें, जिन्होंने चश्मे पहने हुए थे, गोल चश्मे, मोटे मोटे वो पहना हुआ था, और वो देख रहा था शोर साइटेडली अपनी आईब्रोज को इकट्ठा करके ऐसे चर्च टाइम्स पर, जैसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो बिल्कुल नजदीकी से अखबार को. हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लरिकल कॉलर. उसकी जो राइट इंडेक्स फिंगर थी वो किसके नीचे थी? उसके क्लरिकल कॉलर के नीचे थी. ये जो पादरी वगैरह होते हैं क्लरिकल कॉलर सा पहनते हैं व्हाइट कलर का, तो उसके नीचे उसकी एक क्या थी, फिंगर थी. एंड द फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, और जो लेफ्ट हैंड की फिंगर थी, द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड. उसके जो नेल्स थे बड़े ही अच्छे ढंग से मैनिक्योर्ड हो रखे थे, साफ सुथरे थे. स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, और वो अपनी उंगलियों से धीरे धीरे स्ट्रोक कर रहा था अपनी ब्लैक दाढ़ी को, दाढ़ी के ऊपर थपथपा सा रहा था उंगलियों से हल्के हल्के, बिल्कुल ऐसे का ऐसे वो बैठा हुआ था. और जो सामने इवांस था उसके मुंह में पेन होता था, सामने घूरता हुआ, हमेशा एक ही सीन दिखाई देता था स्टीफन को जब वो पीप होल में से देखता था. एट 10:50 AM जब 10:50 हुए, द रिसीवर क्रैकल टू लाइफ एंड द गवर्नर रियलाइज्ड ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवांस फॉर ए फ्यू मिनट. जो रिसीवर था उसमें जैसे दोबारा लाइफ आ गई हो, मतलब दोबारा एक फोन आया, और गवर्नर को यह लगा कि मैं थोड़ी देर के लिए जैसे भूल ही गया था किसको, इवांस को. अब गवर्नर सुन रहा है जो बात हो रही है जहां पे पेपर चल रहा है. इवांस क्या बोला? प्लीज सर, धीरे से बोला, प्लीज सर, दोबारा बोला, प्लीज सर, थोड़ा तेज होकर. इवांस, वुड यू माइंड इफ आई पुट ए ब्लैंकेट राउंड मी? सर आप माइंड तो नहीं करेंगे मैं अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लूँ तो, एक कंबल ले लूँ तो अपने कंधों पर? इट्स अ बिट पार्की हेयर, यहाँ पे थोड़ी ठंड है सर, इजंट इट? क्या नहीं है? इवांस, देर इज वन ऑन मी बंक सर, मेरा एक कंबल है जो बंक पर पड़ा हुआ है. मैक्लरी, बी क्विक अबाउट इट, जल्दी करो. साइलेंस हो जाता है. फिर 10:51 पर स्टीफन्स वॉज मोर देन ए लिटिल सरप्राइज टू सी ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट ड्रैप्ड राउंड इवांस शोल्डर. जो स्टीफन था वो थोड़ा हैरान हो गया जब उसने देखा ग्रे कलर का जो गर्म सा कंबल है वो इवांस ने लिपटा रखा है, अपने कंधों के ऊपर डाल रखा है. एंड ही फ्राउंड स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली. और उसने अपनी आईब्रो को ऐसे इकट्ठा किया और बड़े ध्यान से देखा एग्जामिनी को, मतलब इवांस को, नजदीकी से. बट इवांस, द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, पेन अभी भी उसके दांतों के बीच में था, वॉज स्टेयरिंग जस्ट एज वैकेंटली एज बिफोर, वैसे ही ऐसे खालीपन से देख रहा था जैसे पहले देख रहा था. ब्लैंकली बीनीथ ए ब्लैंकेट, बैठा हुआ था कंबल के नीचे, कंबल उसने ओढ़ा हुआ था. शुड स्टीफन रिपोर्ट दैट स्लाइट इरेगुलरिटी? स्टीफन ने सोचा कि ये मैं बात रिपोर्ट करूं, ये जो इरेगुलरिटी हुई है जो इसने कंबल डाला है अपने ऊपर. एनीथिंग एट ऑल फिशी, अगर कोई भी बात फिशी हो जिसके ऊपर शक हो. हैडन जैक्सन सेड, जैक्सन ने कहा नहीं था क्या मुझे कि मैं उसको रिपोर्ट करूं अगर कोई भी बात मुझे शक जैसी लगे. ही लुक थ्रू द पीप होल वंस अगेन, उसने एक बार फिर पीप होल से देखा. एंड इवन एज ही डिड सो, इवांस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ. जैसे ही वो देख रहा था, इवांस ने वो जो कंबल था और ज्यादा अपने नजदीक कर लिया, क्लोजली कर लिया, जैसे कि उसे ठंड लग रही हो. वाज ही प्लानिंग ए सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैक्लरी इन ब्लैंकेट? तो उसने सोचा स्टीफन ने, कहीं अचानक बैटमैन की तरह जंप तो नहीं लगाएगा और सफोकेट कर देगा, मैक्लरी को ब्लैंकेट में ही दबा देगा. फिर उसने कहा, डोंट बी डेफ्ट, बेवकूफ मत बनो. There was never any sun on this side of the prison. Prison की इस साइड में कभी भी कोई धूप नहीं आती. No heating, कोई heating नहीं है. Either during the summer months में भी यहाँ पे कोई धूप नहीं होती. And it could get quite chilly in some of the cells. और कुछ cells में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है. Stephen decided to revert to his earlier every minute observation. फिर स्टीफन ने फैसला किया, फिर मैं एक एक मिनट बाद दोबारा से देखूंगा. एट 11:20 AM 11:20 हुए, द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड, एक बार फिर फोन बजा. अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर ऑफिस, गवर्नर ऑफिस के साइलेंस में एकदम फोन बज पड़ा. एंड मैक्लरी इन्फॉर्म्ड इवांस दैट ओनली 5 मिनट रिमेन, और मैक्लरी ने इन्फॉर्म किया इवांस को कि बस अब 5 मिनट रह गए हैं पेपर को एंड होने में, खत्म होने में. The examination was almost over now. Examination लगभग अब खत्म हो चुका था,
बट समथिंग स्टिल ग्नॉड अवे क्वाइटली इन गवर्नर्स माइंड. लेकिन अभी भी कोई चीज ऐसी थी जो गवर्नर को खा रही थी, परेशान कर रही थी. ही रीच फॉर द फोन वंस मोर. उसने एक बार फिर फोन उठाया. एट 11:22 AM 11:22 हो गए और 11:25 पर पेपर क्या होना है, खत्म होना है. जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफन. जैक्सन जोर से चिल्लाया गलियारे से. स्टीफन को उसने आवाज लगाई. द गवर्नर वॉन्टेड टू स्पीक विद हिम. गवर्नर उससे बात करना चाहता है. हरी मैन, जल्दी करो. स्टीफन पिक्ड अप द फोन एप्रीहेंसिवली. जो स्टीफन था उसने फोन को उठाया थोड़ा एप्रीहेंशन के साथ, कि डाउट के साथ, कि जैसे कि उसे लग रहा था कि कोई बात है. एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स. और उसने सुना जो तेज तेज बोलकर उसे ऑर्डर दिए गए. और वो ऑर्डर क्या थे? स्टीफन्स हिमसेल्फ वाज टू अकंपनी मैक्लेरी टू द मेन प्रिजन गेट्स. जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो स्टीफन खुद छोड़ने जाएगा मैक्लेरी को प्रिजन के मेन गेट तक. अंडरस्टूड, समझ गए? स्टीफन्स पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर. और स्टीफन ने यह भी बात पक्की करनी थी दैट द डोर वाज लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर मैक्लेरी हैड लेफ्ट द सेल. जब मैक्लेरी उस कोठरी से बाहर निकल जाए तो दरवाजा बाहर से बंद होना चाहिए, लॉक होना चाहिए, ये श्योर हो जाना चाहिए स्टीफन को. अंडरस्टूड, समझ गए? अंडरस्टूड. स्टीफन ने कहा हाँ समझ गया. एट 11:25 AM द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंज. 11:25 पर गवर्नर ने फाइनल एक्सचेंजेस को सुना, उनकी जो फाइनल बातें हो रही थी उसको सुना. क्या बातें हो रही थी? मैक्लेरी कह रहा था स्टॉप राइटिंग प्लीज, अब लिखना बंद कर दो. साइलेंस हो गया. फिर मैक्लेरी, पुट योर शीट इन ऑर्डर. अपनी शीट ऑर्डर के साथ लगा लो, लाइन से सही लगा लो. एंड सी दे आर करेक्टली नंबर. और देखना सारी नंबर से लगी हुई है. फिर साइलेंस हो गया. स्क्रैपिंग द चेयर्स एंड टेबल्स. आवाज आई चेयर्स और टेबल्स की इधर उधर होने की. इवांस, थैंक यू वेरी मच सर. मैक्लेरी, ए राइट वॉज इट, ठीक था. इवांस, नॉट टू बैड, ज्यादा बुरा नहीं था. मैक्लेरी, गुड. मिस्टर स्टीफन्स, जोर से उसने बोला. द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम. गवर्नर ने सुनी डोर की आवाज आखिरी बार. द एग्जामिनेशन वॉज ओवर. और जो एग्जामिनेशन था वो खत्म हो गया. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टोरी का फर्स्ट पार्ट एंड होता है. अगर आप सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसका लिंक दे दिया है और आप सेकेंड पार्ट देख सकते हैं. और अगर आप इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टू क्लिक द लाइक बटन. एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.